बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हजारों सैनिकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये सैनिक रिटायरमेंट की उम्र 7 साल बढ़ाने और पेंशन कम करने का विरोध कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक 8,500 सैनिकों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ISIS के इलाके में जन्मे बच्चों का प्रमाण पत्र कहीं और मान्य नहीं है, या फिर प्रमाण पत्र बना ही नहीं है। इससे हजारों बच्चों के स्टेटलेस होने का खतरा बन गया है। इराक के मौसूल में सेना की बढ़त लगातार जारी है। खबर है कि सेना ने पूर्वी मौसूल में बड़ी बढ़त बनाई है। एक अधिकारी का कहना है कि ISIS आम लोगों की आड़ ले रही है, जिससे हमला करना मुश्किल हो रहा है। वहीं आम लोगों ने सेना के आने पर खुशी जाहिर की है। रूस के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि उन्होंने सीरिया के होम्स और इदलिब में ISIS और नुसरा फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया। इस बमबारी में रूस ने पहली बार अपने इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर प्लेन का इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्री ने अलप्पो पर बमबारी का कोई जिक्र नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा अपने कार्यकाल के आखिरी दौरे पर कल ग्रीस पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ कई मुद्दों पर बात की। वहीं करीब 7,000 लोगों ने अमेरिकी नीति और ट्रंप के चुनाव जीतने पर विरोध प्रदर्शन किया। ओबामा जर्मनी जाएंगे, जहां वो यूरोपियन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलेंगे। UN में नॉर्थ कोरिया के अधिकारी ने बयान दिया कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। UN में नॉर्थ कोरिया में मानव अधिकारों के हनन को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। साथ ही ट्रंप ने कहा था कि वो जल्द किम जोंग उन से परमाणु परीक्षण बंद करने को लेकर बात करेंगे। अमेरिका के उटा में एक हाई स्कूल में छात्र ने चाकू से हमला कर 5 बच्चों को घायल कर दिया और फिर खुद को भी घायल कर लिया। स्कूल में मौजूद स्टाफ की वजह से और बच्चों को हमले का शिकार होने से बचाया गया। अभी तक हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि छात्र स्कूल में नया था और पढ़ाई और अनुशासन संबंधी पहले कोई शिकायत नहीं आई। कनेटिकट में 2012 में स्कूल में हुई शूटिंग मामले में मरने वाले बच्चों के परिवार वालों ने निचली अदालत के फैसले को बदलने की अपील की। परिवार वालों ने हमले में इस्तेमाल हुई गन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया था। दलील दी गई थी कि गन आम लोगों के इस्तेमाल के लायक नहीं है। उस हमले में 25 बच्चों समेत कुछ अध्यापक भी मारे गए थे। चीन के सनवे थियोलाइट सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब जीत लिया है। ये सुपर कंप्यूटर 93 मिलियन बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड की तेजी से कर सकता है। इससे पहले दूसरे नंबर पर रहे तिनयन 2 ने लगातार 3 साल ये खिताब जीता था। तिनयन 2 भी चीन का ही सुपर कंप्यूटर है। चिली की राजधानी सेंटियागो में जंगल में आग के चलते लोग अपने घर छोड़ने का मजबूर हो गए। कहा जा रहा है कि आग 5,000 एकड़ से ज्यादा के इलाके में फैल गई है। आग को काबू करने में फायर फाइटर को लगाया गया है।